राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से नॉर्थ डीएम, एसडीएम और निजी संस्था ने मिलकर 60 मजदूर बच्चों को फैक्ट्री से मुक्त कराया है। मामला नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एसडीएम की देखरेख में एक एनजीओ द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कई फैक्ट्रियों से छापेमारी कर करीब 60 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। ये बच्चे जूते फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इन्हें 100 से 150 रुपए रोज मजदूरी मिलती थी और कहीं भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी। मुखबिर के जरिए जब ये जानकारी एनजीओ को मिली तो यहाँ छापा मारा गया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में रेड दी गई है और ये एसडीएम नरेला की मदद से और डीएम अलीपुर की मदद से ये हमने रेड करी है। और ये मेनली 4 फैक्ट्रीज थी, जिनमें शू मैन्युफैक्चरर थे और किचन अप्लाइंसेस वहाँ पे बनता था। और हमें ये लगता है कि ये ट्रैफिकिंग है और साथ में बॉन्डेड लेबर का हमने इस पर सुझाव दिया है कि हमें इस पर केसेस बॉन्डेड लेबर के भी बनाए जाए। रीज़न बीइंग कि बच्चों को वहीं पे ही कई महीने से रखा हुआ था, कोरोना वायरस के चलते चलते उन बच्चों को 12-12, 14 घंटे काम कराया जा रहा है और उनको 100 से 150 रुपये सिर्फ दिया जा रहा है पर डे, और खाना पीना रहना उनका सब वहीं है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है। तो हमें जैसे ही हमारी अपनी टीम ने कुछ रेकी करी और उनको सूचना मिली, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये हमने एक रेस्क्यू किया, जिसमें 61 बच्चे हैं और करीब 12 से 13 लड़कियां हैं और बाकी सारे लड़के हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये लोग काम कर रहे हैं। एनजीओ ने 60 बच्चों को यहां से बरामद करवाया है, जिसमें से 13 लड़कियां और बाकी लड़के हैं। फैक्ट्री से छुड़वाए गए बच्चों की उम्र 8 से 17 वर्ष है। रेस्क्यू के दौरान मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, CDMO और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में सभी बच्चों का मेडिकल और कोविड टेस्ट भी कराया गया है। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे न जाने कितने बाल मजदूर ऐसे ही कारखानों में कैद हैं और उनको मुक्ति कब मिलेगी? क्यों बाल मजदूर कानून का लोगों में डर नहीं है? पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली।